तो कैसे हो दोस्तों? जी दोस्तों, आज तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूँ संगम 2024। और दोस्तों, ये तुम्हारे सामने पेश रहा हमारा दी कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का बॉयज हॉस्टल। मैंने करीब करीब एक साल पहले ऐसा ही कुछ वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। दोस्तों, तब हम लोग बस नए नए आए थे इस हॉस्टल में। देखते देखते एक साल गुजर गया दोस्तों, आज वही बड़ा दिन है। करीब करीब एक साल बाद वही संगम प्रोग्राम है दोस्तों। असल में इस प्रोग्राम में जो बैच का 5.5 ईयर कंप्लीट हो गया है, उन लोगों को सम्मान के सहित विदा करा जाता है दोस्तों। और जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उन लोगों को सम्मान के सहित अपना लिया जाता है दोस्तों। तो चलो, हम लोगों का संगम प्रोग्राम कैसा है एक और बात तुम लोग देखते रहो, और साथ में रूम का कुछ टूर दूंगा कैसा होता है हमारा मेडिकल कॉलेज का रूम। और इस एक दिन बहुत साफ सुथरा रहता है हमारा रूम, मतलब हमारे टीचर्स हमारे कॉलेज के हर एक रूम इंस्पेक्शन करने आएगा। अच्छा, इसलिए हर एक बंदा अपने अपने रूम को क्लीन रखता है। तो दोस्तों, वीडियो देखते देखते आओ तुम लोगों के साथ कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तुम लोगों में से बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो BHMS को एक सेकेंड ऑप्शन की तरह देखते हैं दोस्तों। तुम लोग सोचते हो कि चलो BHMS में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद जम के नीट की तैयारी करेंगे और अगले साल MBBS निकलेंगे। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा करने से फालतू का तुम्हारा टाइम जाएगा और तुम्हारे झोली में अंतिम में कुछ नहीं आएगा दोस्तों। मेरा बोलने का मतलब है कि या तुम लोग फुल्ली ड्रॉप दो और फुल्ली BHMS को अपना लो, पार्शियली ड्रॉप से कुछ नहीं होगा दोस्तों। बहुत ज्ञान के बाद बोल लिए दोस्तों। तो दोस्तों, आओ देखते हैं दी बॉयज हॉस्टल ऑफ दी कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कैसा है। फुल रिव्यू दूंगा तुम लोगों को इस वीडियो में दोस्तों, साथ में रूम टूर भी होगा, कैसा है हर एक रूम, कैसा रहता है हर एक रूम, रूम सीनियर कैसा है, जूनियर कैसे है, कैसा मिलते हैं एक एक रूम में। तो दोस्तों, देखो कैसा है हमारा हॉस्टल रूम। ये बेसिकली मेरा रूम है, ये रहा मेरा बेड, और ये हमारे साथ जो सीनियर रहता है। लगभग वेस्ट बंगाल में जो 4 गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, सभी का सीनारी कुछ ऐसा है दोस्तों। एक रूम में मैक्स टू मैक्स 4 बंदा रहता है, और दोस्तों हर एक रूम में सीनियर जूनियर सभी मिल के रहता है। इसे तुम लोग जानते हो दोस्तों, मिस्टर सौमिक घोष, इसका भी यूट्यूब चैनल है। और एक दादा का बेड है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी रूम में जा के सभी को पूछा था कैसा है हॉस्टल, हॉस्टल के बारे में कुछ बताने के लिए बोला था दोस्तों। पर कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से वो सब ऑडियो डिलीट हो गया। पर कोई नहीं, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे मेरे दोस्तों को और मुझे आंसर क्या मिला था दोस्तों। ये मेरे एक दोस्त का रूम है, वो अपने रूम को बहुत सजा गुजा के रखता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बंदा है वो। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये संगम दिन का वीडियो है, मतलब इस दिन में हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोगों को संगम मिलने वाला था, फाइनली हम लोग सीनियर बनने वाले थे दोस्तों, मतलब हमारे भी जूनियर आ गए थे हॉस्टल में दोस्तों। इसलिए मैंने मेरे दोस्तों को पूछा था कि कैसा लग रहा है इस दिन में आके, जो फाइनली हम लोग अब सीनियर बनने वाले हैं, हमारे भी जूनियर आ गया है दोस्तों। इस हॉस्टल में जो जो आता है इस दिन के लिए, वो सब बहुत बेसब्री से इंतजार करता है दोस्तों कि कब हम लोगों को संगम मिलेगा, हम लोग सीनियर बनेंगे। तुम लोग आओगे तो तुम लोगों को भी पता चलेगा। मैंने मेरे दोस्त से ये भी पूछा था कि कैसा है हमारा हॉस्टल, उसने कहा था कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लोकेशन पे है दोस्तों हमारा हॉस्टल, काकुर गाची के जैसा लोकेशन कोई भी हॉस्टल को नहीं मिलेगा दोस्तों, मतलब कि हमारा हॉस्टल बहुत ही अच्छे स्थान पर लोकेटेड है दोस्तों, मतलब प्रॉपर कोलकाता में लोकेटेड है दोस्तों। और इस साल तुम जो स्टूडेंट्स BHMS में एडमिशन ले रहे हो, उन लोगों को वेलकम है। तुम लोग आओ BHMS में, अगर तुम लोग अपने मन से BHMS को अपना लोगे तो BHMS तुम लोगों को कभी भी निराश नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों, बहुत ज्ञान के बात कर लिए, तो चलो दोस्तों आप देख लेते हैं प्रोग्राम कैसा गया था हमारा। और दोस्तों, इस बंदे का नाम है शाहरुख खान। जी दोस्तों, इस बंदे का नाम है ओरिकेत गांगुली, बहुत ही अच्छा बंदा है। और दोस्तों, सामने हमारे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स बैठे हुए हैं दोस्तों। देखो
देखो जहाँ पौधेर पाजे छुटे हाँ पानूर परा कतो आनंद आयोजन सभी विधान आमे छड़ा। इस प्रोग्राम में बेसिकली टीचर्स को बुलाया जाता है हॉस्टल में, और टीचर्स के द्वारा हमारे जो बैच का संगम मिलने वाला है, मतलब जो बैच का 5.5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, उन लोगों को सम्मान के सहित हॉस्टल से विदा करा जाता है। दोस्तों मतलब तुम लोग सब समझ सकते हो, एक स्टूडेंट्स अपने ज़िंदगी का 5.5 ईयर्स गुजरता है, मतलब तुम लोग समझ सकते हो यहाँ पर कितने सारे मेमोरी बांधता है दोस्तों। उसके बाद जब तुम इस हॉस्टल से निकलोगे तब रोना आ जाएगा दोस्तों। हॉस्टल लाइफ का गुजारा हुआ हर एक पल मेमोरेबल है दोस्तों, ये पल तुम्हें ज़िंदगी भर याद आएगा दोस्तों। तुम सब सोचोगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। তোমার খোঁজে জলে পুরে যাই ভালোবাসা দেখো রে কারণে মিঠাই কারুর মনের সুরে কলঙ্কিনি বিনোদিনী রায় প্রেমের স্রোতে একলা ভেসে এবার তবে যাই কারুর মনের সুরে কলঙ্কিনি तो दोस्तों हम लोगों का हाल बेहाल हो गया है, पर अभी तक हम लोगों को संगम नहीं मिला, क्या करूँ। सर लोग दादा लोग बात करते करते ना देर हो गया। अभी पीछे हमारा प्रिंस भाई आ रहे हैं, सौमिक भाई, इसे तुम लोग मेरे बहुत सारे वीडियो में देखे हो दोस्तों। अभी নতুনরা আসবে পুরনোরা যাবে, এইটাই তো এখানকার। আমি পুরনোদের মধ্যে সব দেখতে পাচ্ছি যারা হোস্টেলের দিকপাল বসে আছে আমাদের সামনে, তাদের সিনিয়রদের থেকে যা যা ভালো সেগুলো যেমন শিখবে, আরো ভালো মন্দ মিশিয়ে সব সবার তো সব কিছু ভালো হয় না, প্রত্যেকেই ভালো মন্দ মিশিয়ে হয়, তার থেকে প্রত্যেকের থেকে যেটুকু ভালো সেটুকুই নেন। আমি কারো উপদেশক বলছি না, এ বিষয়ে রামকৃষ্ণদেবের কবির প্রত্যেকেরই নানা রকমের কোটেশন আছে যে ভালোটুকু কীভাবে গ্রহণ করা যায় বা খারাপটা আমাদের যেরকম ওই সিঙ্গেল ফার্মেসি আর পলি ফার্মেসি, এতে প্রচুর রকম হয়। তো অনেকে বলে যে স্যার আপনি বলেন একটা ওষুধ দিচ্ছে, ও চারটে ওষুধ দিচ্ছে, তাহলে ওরও তো কাজ হচ্ছে। আমি আমি যে সিঙ্গেল মেডিসিন বলছি আমারও তাহলে যার চারটে ওষুধ দিয়ে কাজ হচ্ছে, দশটা ওষুধ দিয়ে কাজ হচ্ছে, তাহলে হাউ ইউ উইল এস্টাবলিশ দ্য হোমিওপ্যাথিক প্রিন্সিপাল। আমরা বলি যে হোমিওপ্যাথিক প্রিন্সিপালটা যে বোঝে সে জানে যে যেটা দাস মিলিমাম ওই একটাই কাজ করবে, বাকিগুলো আপনা থেকে খসে যাবে। মানে টিউনিং ফ্রিকোয়েন্সি টিউনিং যেমন যে টিউনিং থাকে সেই টিউনিং এর সঙ্গে যার ম্যাচিং হয়, তোমরা যারা ফ্রিকোয়েন্সি টিউনিং বোঝো সেই ম্যাচিং যেটা সিনক্রোনাইজ হয় সেটাকেই ও ক্যাচ করে, বাকিটাকে ক্যাচ করে না। তাহলে ঠিক সেরকম হোমিওপ্যাথিক সিবিলিমামে
তুমি যতই ব্রায়োনিয়া রাস্টক্স মিশিয়ে দাও না কেন, আসলে যার ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া ব্রায়োনিয়া কাজ করে রাস্টক্স ঘটে যায়, যার ক্ষেত্রে রাস্টক্স তার ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া। মাইক টাইপ গুলো একটু স্ট্যান্ডার্ড আর কি, যদি সেন্সরশিপ লাগে বলিস কোনো কোম্পানিকে বলে দেবো। এটা আমরা ইচ্ছা করলেই যদি আর্নিং যদি সফলতার মাপকাঠি হয়, আর্নিং এ আমরা সমানভাবে আর্নিং করতে পারি অন্যদের সঙ্গে, তুমি কম্পিটিশন করতে যাও না অ্যানাস্থেসিস্ট বা নিউরোসার্জনের সঙ্গে, এরকম এটাও ভাবতে হবে যে তারা বছরে একটা বা দুটো বেরোয়, তারা এরকম ছয় ছয় হাজার হাজার বেরোয় না, কিন্তু ইন কম্পারিজন টু আদার জেনারেল ফিজিশিয়ান অল উই উইল বি সাকসেসফুল। আমরা কেউ না কেউ প্র্যাকটিসে সাকসেসফুল হব, চাকরিতে সাকসেসফুল হব অথবা রিসার্চে সাকসেসফুল হব, খালি লেগে থাকতে হবে। লিগে থাকলে সব কিছু পাওয়া যায়, হোমিওপ্যাথিকে ছেড়ে দিলে হবে না। আমি প্রচুর মিডিওকার ছেলেকে দেখেছি যাদেরকে আমরা কোনোদিন ভাবতেই পারিনি যে এই ছেলে পোস্ট গ্রাজুয়েটে চান্স পেতে পারে, পিজিতে চান্স পেতে পারে, সেই ছেলে দু বছর তিন বছর চার বছর পরে পোস্ট গ্রাজুয়েটে চান্স পেলে, চান্স পাওয়ার পরের দিনই মানে যেদিনকে তিন বছর শেষ হয়েছে সেদিনই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করছে। এরকম একজনের জন্য নয়, ফ্লুক নয়, বারবার হয়েছে। আমি বলছি আমাদের কথা ছিল সুপ্রিয়, এমন ভাবে বড় বড় কথা বলতো, এসে বললো তুই উমেন ইন্সপেক্টর ফার্স্ট হয়েছিল এটা কেন্দ্রের থেকে বরবাদ করে মানে এরকমই একটা অনুষ্ঠান প্রথম বলি নবীনকরণ হচ্ছে, আমার সুপ্রিয়তাকে এখনো মনে পড়ে, তো সুপ্রিয়তাকে চিনো তো আপনার। যাই হোক, আজকে এই শুভ দিনে কিছু বেদনা কিছু আনন্দ সবকিছু নিয়েই এই অনুষ্ঠান। তো দোস্ত আজকে লি ইতনাই, মিলতে তুমসে নেক্সট ভিডিও মে।